यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए दुनिया के 71 देशों के 115 राज्य नायक सहित हेड ऑफ मिशन प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचे। अतिथि देवो भवा, विशेष अतिथि पर सभी विदेशी मेहमान कुंभ की तैयारियों के बने गवाह। कुंभ की भव्यता को देखकर विदेशी मेहमान भी अभिभूत हो गए। यूनेस्को द्वारा प्रयागराज में हो रहे कुंभ की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए 193 देशों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 71 देशों से 115 सदस्यों सहित राजनयिक संगम की रेती पर आए। Ahead of 50 days of large scale Hindu pilgrimage, Kumbh Mela 2019 in Prayagraj, Uttar Pradesh government on Saturday hosted diplomats of over 70 own countries at Prayagraj to witness Kumbh Mela's massive preparations which are underway for UNESCO inscribed intangible cultural heritage of humanity festival of peace or harmony. शनिवार को सुबह 9:30 बजे एयर इंडिया के विमान ने प्रयागराज के नए एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, जिसमें दुनिया के 71 देशों से आए 115 राज्य नायक, जिनके साथ विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह भी थे, एयरपोर्ट पर सभी का भव्य स्वागत किया गया। अतिथि देवो भवा के तर्ज पर विदेशी मेहमानों के स्वागत में ढोल नगाड़े बज रहे थे। रंगारंग पोशाकों से सजे ढोल वालों ने अपने देश में आए इन 115 विदेशी मेहमानों के स्वागत में जमकर ढोल नगाड़े बजाए। विदेशी मेहमानों को माला पहनाकर उनका स्वागत उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने किया। उनके साथ प्रशासनिक अमला सहित बीजेपी के नामी नेता राकेश शुक्ला भी स्वागत सत्कार करने के लिए जुटे रहे। एयरपोर्ट से 71 देशों के 115 राजनयिकों को 6 लग्जरी बसों में बैठाया गया, फिर उनका काफिला प्रयागराज शहर की तरफ निकल पड़ा। प्रयागराज में जिन सड़कों से ये काफिला निकला, उन सड़कों पर विदेशी मेहमानों के स्वागत में प्रयागराज की जनता और स्कूलों के बच्चों ने भी तिरंगा लहराते हुए स्वागत किया। कुछ स्कूल के बच्चों ने उनके देशों के भी झंडे दिखाए, तो वहीं कुछ स्कूल के बच्चों ने उनके स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम भी सड़क किनारे प्रस्तुत किए। इकहत्तर देशों से आए हेड ऑफ मिशंस का डेलीगेशन एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से पहुंचे संगम, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कुंभ मेले की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए पहुंचे प्रयागराज के संगम क्षेत्र में विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह के साथ 115 सदस्यों का डेलीगेशन संगम पहुंचा। विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां कुंभ कार्यों की विशेषताओं पर आधारित एक प्रदर्शनी को भी सभी राजनयिकों ने देखा, जिसके बारे में अधिकारियों ने उन्हें विस्तृत रूप से कुंभ से जुड़ी जानकारी दी। प्रयागराज मंडल के कमिश्नर आशीष गोयल ने डेलीगेशन का अफसरों से परिचय कराया, फिर चला सवाल जवाब का दौर, जिसकी शुरुआत डीएम प्रयागराज सुहासिल वाई ने की। स्टोरी ऑफ द कुंभ की थीम पर बनी फिल्म के माध्यम से भी दी गई कुंभ की जानकारी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नामित स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने 71 देशों के राजनयिकों को कुंभ की विशेषताओं के बारे में बताया।
astrology, spirituality, ritualistic traditions and social and cultural customs and making it extremely a rich knowledge. Well, our Prime Minister, while we were talking about the Kumbh, whether it is some chemicals that come along with the river, whether it is the type of vegetation through which the river passes, there is some chemical which keeps the water uncontaminated. And since it could not be explained why this is so, therefore the river is both water and planetary combination. And you can see the Siberian birds have also got used to the taste of Prayag. They have started liking the type of food that is thrown to them. Something which has got more chilies. Siberian birds are eating chilies. I think it's phenomenal. इतना ही नहीं बल्कि कुछ देशों के राजनयिकों ने भी सवाल जवाब कर कुंभ की विशेषता से मिली जानकारियों को साझा किया। I want to give the most sincere thanks to the government of Uttar Pradesh for organizing this, to the Minister of External Affairs, not only General V.K. Singh, who has sacrificed his Saturday with his family to be with us today, but also to the External Affairs Minister, Sushma Swaraj, who personally was following up the coordination of this visit. I want to give a very special thanks to the new Chief of Protocol, Mr. Nagesh Singh, and his staff, because I know for a fact that since he took over, this has been one of his priorities to make every single coordination and every single moment of this trip to be perfect for the likings of all of us that are here today. I also want to give a very special thanks. संगम में गंगा पूजन के साथ कुंभ की तैयारियों से हुए रूबरू संतों के साथ बड़े हनुमान जी के मंदिर का भी दर्शन किया। सबसे खास बात रही जब राजनयिकों को योग गुरु आनंद गिरी ने हनुमान जी का यहां लेटे हुए विश्राम की मुद्रा के बारे में बताया गया तो श्रीलंका के राजदूत एकाएक चौंक गए और वे बोल पड़े कि ओह हनुमान जी रेस्टिंग हियर, देयर आर सो मेनी प्लेसेज इन श्रीलंका रिलेटेड टू हनुमान जी। कस्तूरबा जलपोत से हेड ऑफ मिशंस के डेलीगेशन संगम से अरहल घाट गए। जैसे ही क्रूज ने संगम की लहरों में अपनी रफ्तार बढ़ाई तो साइबेरियन पक्षियों के झुंड लहराने लगे तो राजनयिकों ने उन्हें दाने भी खिलाए। फिर सभी क्रूज से अरहल घाट पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया, जिनके साथ 71 देशों के राजनयिकों ने भी अपने अपने देशों के ध्वजों को फहराया। अरहल में सभी 71 राष्ट्रों के ध्वज का हुआ ध्वजारोहण। जिसके बाद उन्होंने कुंभ मेले के सभी विशेष स्थलों का निरीक्षण किया। करीब 4.5 घंटे रहने के बाद 71 देशों के 115 राजनयिक वापस से एयरपोर्ट चले गए। दोपहर बाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमान से लौट गए दिल्ली। प्रयागराज में कुल 4.5 घंटे तक रहे 71 देशों के 115 सदस्यों सहित राजनयिक। सबसे तेज न्यूज के लिए इलाहाबाद प्रयागराज ब्यूरो की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे चैनल के वीडियो को देखें और लाइक और उसको सब्सक्राइब करने के लिए सबसे तेज न्यूज के सामने दिए हुए रेड आइकन को क्लिक कीजिए।